बच्चों, आज के इस लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस लाइव क्लास में। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक रविवार को दोपहर 2 बजे हमारा लाइव क्लास होता है। इस लाइव क्लास में मैं आपको रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या फिर भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ टॉपिक को पढ़ाता हूँ। आप इसी संदर्भ में पिछले हमारे लाइव क्लासेस में आपने देखा होगा कि मैंने आपको जीव विज्ञान का प्रमुख रूप से 2 टॉपिक कवर किया है, जिसमें पहला है कोशिका और दूसरा है ऊतक। तो कोशिका और ऊतक, इन दोनों को मैंने पिछले 3-4 लाइव क्लास में पढ़ाया है। अब मुझे आशा है कि आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया होगा और अपनी जो पुस्तक है उससे भी दोहरा लिया होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप पढ़े होंगे तो आपको उसमें कहीं ना कहीं समस्याएं भी आई होंगी, क्योंकि जब मनुष्य कोई भी काम करने चलता है तो उसको समस्याएँ आती हैं। अगर समस्याएं नहीं आ रही हैं, इसके मतलब या तो काम नहीं कर रहे हैं और या फिर आप मन से काम नहीं कर रहे हैं, यानी दिखावा में काम हो रहा है लेकिन उस पर मन नहीं लग रहा है तो भी समस्याएं नहीं आती हैं। काम जब अच्छे तरीके से होगा तो समस्याएं काम का एक अंग हैं और समस्याओं से हम भाग नहीं सकते, क्योंकि समस्याएँ हमको बताती हैं कि हम सक्रिय हैं, जिंदा हैं, काम कर रहे हैं और इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए, अपने घर परिवार के लिए अगर हम उपयोगी हैं तो समस्याएं हमारे सामने आएंगी, क्योंकि अगर अनुपयोगी हैं तो समस्याएं नहीं आएंगी। जैसे कोई व्यक्ति है वो कोई काम नहीं कर रहा तो उसके सामने समस्याएं भी नहीं आएंगी, जब हम कोई काम करेंगे तभी समस्याएं आएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि समस्याएं हमारे जीवन का एक अंग हैं। हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ये अच्छा कार्य है। जैसे आप पढ़ रहे हो, आप कक्षा 9 में पढ़ रहे हो, 10 में पढ़ रहे हो या 11 में, 12 में, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, बीएससी एमएससी कर रहे हो, किसी प्रकार का ज्ञान अर्जन अगर आप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि समस्याएँ आपके सामने रोज आएंगी, निरंतर आएंगी। अगर समस्याएँ आ रही हैं इसके मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं। अगर कोई समस्या नहीं आ रही है इसके मतलब कि आपकी दिशा सही नहीं है, आप उसको सुधारिए। तो मेरा कहने के मतलब है कि जो पिछला टॉपिक मैंने कवर किया जिसका नाम था कोशिका या सेल, दूसरा ऊतक, ऊतक में जंतु ऊतक और वनस्पति ऊतक दोनों के बारे में मैंने बताया। अब इसमें अगर कोई समस्या आई हो तो आज का लाइव क्लास इसी समस्या समाधान पे है। जो टॉपिक आपके समझ में ना आया हो आप पूछिए, मैं उसका जवाब आपको यहाँ पर देने के लिए तत्पर हूँ। तो आप एक एक करके आप लोग पूछते जाएं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। तो इसमें बच्चे हैं तनिष्क वर्मा, ठीक है, अभी बता रहा हूँ कि कौन कौन से बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये तनिष्क वर्मा है, 9th B का बच्चा है ये, विनायक मिश्रा, आयुष सिंह राजपूत, शिवेश मिश्रा और कृष्णा मिश्रा, फिर इसके बाद है
आल्हा कुमार यानी पीयूष कुमार, और ये असीम वीरू मौर्या, देवराज वर्मा, दीपक गुप्ता, अवनीश कुमार और अभिमन राज, और ये तनिष्क वर्मा, वीरू मौर्या मतलब ये है रोशन मौर्या 9th D, दीपक गुप्ता 9th B, तो ये सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। तो बच्चों आप कोशिका का अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो आप पूछें, या ऊतक से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछें, ठीक है। और देवराज वर्मा खास करके आपके लिए बेटा, आपके जंतु कृषि जंतु विज्ञान में कोशिका चैप्टर है, पहला या दूसरा चैप्टर है, तो आप जंतु विज्ञान यानी जंतु कोशिका को आपको पढ़ना है, ठीक है। लेकिन फिर भी वनस्पति कोशिका में जैसे कुछ ऐसे अंग हैं जो केवल वनस्पति कोशिका में होते हैं, जंतु में नहीं होते हैं, जैसे सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, फिर आता है प्लास्टिड्स यानी लवक, और बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं, ये सिर्फ वनस्पति कोशिका में होते हैं यानी प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में ये पार्ट्स नहीं होते हैं। तो एनिमल सेल से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछें। तो ठीक है, अब ये बच्चा, ये है बच्चा सिराज खान 9th B, बच्चा है समीर खान, ठीक है, फिर विशाल यादव, और तनिष्क पूछ रहा है कि सर एनिमल टिश्यू को एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। तो देखो बेटा, एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतक, ये केवल जंतुओं में होते हैं, ठीक है। जंतु चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सभी जंतुओं में जंतु ऊतक ही पाए जाते हैं। अब ये आता है बात कि जंतु ऊतक कहाँ से मिलना शुरू होते हैं, तो आप जब जंतुओं का अध्ययन करेंगे तो संघ पोरी फेरा पहला है, ठीक है। जैसे अब वर्गीकरण जब आपको बताएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जितने भी जीव हैं, ठीक है, जंतुओं की बात नहीं हो रही, जीव की यानी लिविंग थिंग की, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला किंगडम है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, तीसरा और चौथा है पादप यानी प्लांटी, और जो पांचवा जगत है वो है एनिमेलिया यानी जंतु। तो जंतुओं को फिर जब बांटा गया है तो जंतुओं का पहला जो फाइलम है वो है पोरीफेरा, जिसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं लेकिन ऊतक नहीं पाया जाता है। पोरीफेरा के जितने जंतु हैं इनका जो शारीरिक संगठन है, तो इनका शारीरिक संगठन सेलुलर लेवल होता है यानी कोशिकीय स्तर का होता है। जब हम और इसके अगले फाइलम में जाएंगे जिसका नाम है निडेरिया या सिलेंट्रेटा, तो वहाँ पर ऊतकों का निर्माण होना शुरू होता है, लेकिन ये ऊतक बहुत ही प्रारंभिक स्तर के होते हैं, अभी इनमें ऊतकों का जो विशेषीकरण है वो नहीं होता है। जब हम और आगे फाइलम में जाएंगे तब जा करके आपको सभी प्रकार से विशेषीकृत ऊतक मिलेंगे। अब देखिए इन ऊतक में क्या है बेटा कि जंतु ऊतकों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उपकला ऊतक यानी इपिथेलियल, दूसरा है कनेक्टिंग यानी संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशी ऊतक और चौथा है तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक को मैंने बताया था कि ये सरल और संगठित या जटिल जिसको कह लें, 2 प्रकार के होते हैं। जो सरल ऊतक होते हैं वो एक ही परत की यानी कोशिकाओं के एक ही स्तर से बने होते हैं, जबकि जटिल वाले कोशिकाओं का कई स्तर होता है। तो सरल में आप देखें कि सरल वालों की कोशिकाएं, कुछ की खूब चपटी चपटी कोशिका होती है जिसको स्क्वेमस यानी सल्की इपिथीलियम कहा गया है, कुछ ऐसे हैं जिनका घनाकार होता है तो उसको घनाकार कहा गया यानी क्यूबॉइडल इपिथीलियम, फिर इसके बाद कुछ खंभे के आकार के होते हैं तो कॉलमनर एपिथीलियम, कुछ हैं जो कई स्तरित यानी स्तरित होते नहीं हैं लेकिन कई स्तर में दिखते हैं तो उनको सीडो स्तरित कहते हैं।
सीडो अस्तरित्व में क्या है कि कुछ कोशिकाएं छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, तो मिला करके उनको देखने से लगता है कि दो स्तरों में हैं, लेकिन वाकई वो दो स्तर में होते नहीं हैं, होते वो एक ही स्तर में हैं, इसलिए उनको सीडो स्ट्रेटिफाइड कहा गया है। फिर इसके बाद जटिल वाले जो हैं वो कई स्तरों से मिलकर बने होते हैं, और खास करके वो ऊतक ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ स्ट्रेच होता है, जो है उनकी कवरिंग खींचती है, तो जब खींचेगी तो कई स्तर के रहेंगे तो खींच करके बड़ी होती है, फिर वापस आ जाती है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर का। फिर इसके बाद जो कनेक्टिंग टिश्यू है वो मैंने बताया था कि एक तो कनेक्टिंग टिश्यू प्रॉपर होता है, फिर ब्लड है और स्केलेटन है। तो जो कनेक्टिंग टिश्यू प्रॉपर है उसमें क्या होते हैं कि कुछ लूज कनेक्टिंग टिश्यू होते हैं जो मांस को त्वचा से जोड़ते हैं, ठीक है, या दो प्रकार की कोशिकाओं को जोड़ते हैं, दो प्रकार के ऊतकों को आपस में जोड़ते हैं। फिर इसके बाद था एक वाइट कोलेजन वाला जिसको टेंडन कहा गया है। टेंडन क्या करता है कि मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। और तीसरा जो प्रकार था एलो इलास्टिन यानी जिसको लिगामेंट कहे जाते हैं, वो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करते हैं, जहाँ हड्डियों का जोड़ होता है तो दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उनको लिगामेंट कहा गया है। फिर इसी तरह देखिए पेशी ऊतक है, पेशी जो होती है तीन प्रकार के होते हैं, एक ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशियाँ। ऐच्छिक पेशियाँ क्या होती हैं, जो हमारे वश में है, हमारे अनुसार काम करती हैं। अनैच्छिक पेशियाँ हमारे अनुसार कार्य नहीं करती हैं। और जो हृदय पेशियाँ हैं उसका हृदय बना होता है, हृदय यानी हार्ट। अब आप हार्ट को देखें क्या होता है, बिना थके जीवन पर्यंत काम करता है, यानी एक बार हार्ट जो है हृदय का निर्माण हो गया, वो भी भ्रूणीय अवस्था में, जब बच्चा खुद जो है अपनी माँ के पेट में होता है तभी उसका हृदय काम करना शुरू कर देता है, और वो तब से धड़कना शुरू होता है और जीवन के अंतिम समय तक धड़कता रहता है बिना थके, क्योंकि जिस दिन हृदय थक गया उस दिन पूरा शरीर किसी काम का नहीं रह जाता है, इसलिए हृदय कभी नहीं थकता है। तो ये हो गया पेशी ऊतक। फिर आता है तंत्रिका ऊतक। तो तंत्रिका ऊतक में मैंने बताया था ना कि तंत्रिका ऊतक जो होते हैं वो तंत्रिका कोशिकाओं से बने होते हैं। तंत्रिका कोशिका का मतलब है जिसको न्यूरॉन कहा जाता है, और न्यूरॉन के आपने देखा कि दो भाग है, एक साइटॉन है और एक पतला वाला जो निकलता है धागा वो एक्सॉन है। फिर साइटॉन से देखा आपने पतले पतले धागे निकलते हैं जिनको डेंड्राइट्स कहा जाता है। एक्सॉन पर कवरिंग होती है एक सफ़ेद सफ़ेद जिसको माइलिन सीथ कहते हैं, उसमें कोशिकाएँ होती है जिसको स्वान सेल कहते हैं, और ये जो सीथ है बीच बीच में गांठ होती है जिसको नोड ऑफ रैनवियर कहा जाता है। तो इस प्रकार से जंतु ऊतक का ये है, आप किताब में भी देखिएगा। फिर कोई परेशानी होगी तनिष्क तो फिर बताना बेटा, ठीक है। तो इसमें आप देखें कि चार प्रकार के हो गए जंतु ऊतक, उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका, चार ऊतक हो गए, ठीक है। तो ये एनिमल तनिष्क, ठीक है। फिर इसके बाद है विशाल राजभर, साहिल खान और नाइन्थ डी में का बच्चा है अस्मिता, गुड आफ्टरनून बच्चों। एग्ज़ाम नवंबर में होगा, ठीक है, इसलिए एग्ज़ाम को लेकर परेशान ना हो आप। परीक्षाएं तो होगी, परीक्षा चूंकि पढ़ाई का एक अंग है, ठीक है साहिल, तो जो परीक्षा है वो पढ़ाई का एक अंग है, परीक्षाएं होंगी, लेकिन पढ़ाई का मतलब होता है ज्ञान अर्जन, इसलिए बेटा पढ़ते रहो। जो दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े ही हैं, आप उसमें अपनी परेशानी पूछ सकते हैं, ठीक है, और भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, किसी तरह से भी, बस क्या है आपको पढ़ाई करनी है, साइंस की बुक उठाओ पढ़ो, जो परेशानी हो तुरंत आप हमसे पूछो। तो और भी कोई बच्चा कोशिका या ऊतक के बारे में अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछें आप, ठीक है। तो देखिए आप पूछते रहिए, और हम आपको आज कुछ खास बातें बता रहे हैं पढ़ाई लिखाई के बारे में ही, कि जैसे मैंने ज़्यादातर बच्चों को ये सवाल पूछते सुना है, बच्चे पूछते हैं कि सर जब हम पढ़ने बैठते हैं तो मुझे नींद बहुत आती है,
ये बहुत सारे बच्चों का प्रश्न है, ठीक है, कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं मुझे नींद आने लगती है, तो इसका कारण क्या है और क्या करें कि जब हम पढ़ने बैठें तो मुझे नींद ना आए, ठीक है। तो ऐसा होता होगा तभी बच्चे पूछते हैं, ठीक है, कि जब पढ़ने बैठते हैं तो नींद आती है, जब ऐसा होता होगा तभी ना आप लोग पूछ रहे हो। कितने बच्चे ऐसे सहमत हैं, कितने बच्चे इस बात से सहमत हैं कि जब वो पढ़ने बैठते हैं तो उनको नींद आती है, ठीक है, तुरंत एस लिख के भेजो आप। कहीं से भी पूछ सकते हो बेटा, ठीक है। एक बच्ची पूछ रही है कि क्या हम दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछ सकते हो, बिल्कुल पूछो। और एक बच्चा ये पूछ रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप में चैट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप हमको मेरे व्हाट्सएप पे भेजो, क्योंकि ग्रुप में अगर बच्चों को अलाउ कर देंगे तो वो सब इतना गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट भेजते हैं कि उड़ाते उड़ाते हम परेशान हो जाते हैं, इसलिए आप अपना क्वेश्चन हमको डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे भेज दो, कुछ भी जो पूछना है आप भेज सकते हो। तो हाँ, ये कई बच्चे हैं जो इस बात से सहमत हैं कि जब पढ़ने बैठिए तो नींद आती है, ठीक है। और देख लेते हैं कितने बच्चे सहमत हैं, फिर हम बता रहे हैं। तो कई बच्चे सहमत हैं कि जब पढ़ने बैठिए तो नींद आती है। चलो, तो मैं कारण बताता हूं कि आखिर ऐसा क्या खास बात है कि जब आप पढ़ने बैठें तो आपको नींद आती है, लेकिन जब आप मोबाइल देखते हैं तो नींद नहीं आती है। इससे भी सहमत हैं आप, जब आप मोबाइल देखते हैं तो नींद नहीं आती है, लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं सामने किताब होती है तो नींद आती है, ठीक है बच्चों, कि जब पढ़ने बैठे तो नींद आ रही है लेकिन जब मोबाइल होता है तो नींद नहीं आती है। पहले इन दोनों में फर्क आप देखें। चलो ठीक है, तो पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको नींद क्यों आती है, और वो भी पढ़ने क्या बैठते हैं, कि जब आप अपने कोर्स की चीज़ें पढ़ने बैठते हैं, जब आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ने बैठते हैं, जब आप अपने क्लास की चीज़ें पढ़ने बैठते हैं, जैसे आप कक्षा 9 में हैं तो जब आप साइंस की बुक खोलते हैं तो आपको नींद आती है, ठीक है। जैसे आपने सेकेंड चैप्टर खोला या सिक्स चैप्टर खोला, चैप्टर का नाम है जीवन की इकाई कोशिका, और उसको जब आप पढ़ने लगे तो जो अभी उसका परिचय ही पढ़ रहे हैं कि सभी जीवधारियों का शरीर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है जिन्हें कोशिका कहते हैं, वहीं से नींद आना शुरू हो जाता है, ठीक है। कारण इसका क्या है, देखिए अगर ऐसा है कि जब आप पढ़ने बैठते हैं आपको नींद आने लगता है, इसके मतलब क्या है, रुचि, रुचि जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है इंटरेस्ट, ठीक है। नींद आने का मतलब यह है कि आपको उस टॉपिक में या उस चैप्टर में रुचि नहीं है। अब रुचि ना होने का कारण क्या है, जैसे अगर कोई चीज आप जिज्ञासा के साथ पढ़ेंगे, जैसे आप मोबाइल देख रहे हैं तो बड़ी जिज्ञासा के साथ देख रहे हैं, पूरा मन आपको लग रहा है, कोई वीडियो आप देख रहे हैं पूरे मन से उसको देख रहे हैं, ठीक है, पूरे मन से देख रहे हैं, और उस चीज को जो भी आप देख रहे हैं वो पूरा पूरा आपके समझ में आ रहा है, तो आपको नींद नहीं आ रही है, इंटरेस्ट आ रहा है, आप हंस रहे हैं, कोई मान लीजिए कि आप हंसी मजाक वाली वीडियो देख रहे हैं तो आप हंस रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, ठीक है। गेम खेल रहे हैं, आपका पूरा इंटरेस्ट उसमें है तो नींद नहीं आ रही है, लेकिन जब विज्ञान की किताब सामने आ गई तो अब रुचि गायब हो गई,
अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि आपको लगता है कि इसका लाभ अभी तो हमको मिलना नहीं है, इसका लाभ पता नहीं कब मिलेगा, तो हम क्यों झूठ साँच का इसमें माथा अपना पचाएं। जब सर पूछेंगे तो देखा जाएगा, कोई बहाना बना दिया जाएगा, मौसी के यहाँ चले गए थे, बुआ के यहाँ चले गए थे, मामा आ गए थे घर पे, या फ्रेंड का बर्थडे था। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे सर, बहुत करेंगे तो थोड़ा डांटेंगे, अरे तो एक आध दे देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, सर की तो आदत है रोज डांटने की। ठीक, तो इस तरह से क्या है कि रुचि आप अपनी खत्म कर दिए। अब रुचि ना होने का कारण क्या क्या है ये भी आप देखें। रुचि ना होने का पहला कारण क्या है कि विषय की पूर्व जानकारी या ज्ञान का ना होना। ठीक है, यानी रुचि क्यों नहीं आ रही है, आप पुस्तिका पढ़ रहे हो, आपकी रुचि क्यों नहीं उसमें विकसित हो रही है, रुचि क्यों नहीं डेवलप हो रही है, तो उसका देखो मेन कारण क्या है बेटा, कि सबसे पहला कि कोशिका को पढ़ने के लिए, कोशिका के बारे में जानने के लिए, जानने से पहले आपको कुछ मूलभूत चीज़ें जाननी होती हैं। जैसे आप कोशिका नाइन्थ में पढ़ रहे हो तो 6, 7, 8 में भी कोशिका से संबंधित या जीवन से संबंधित या सजीव निर्जीव के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो यहाँ ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, समझ नहीं आएगी तो रुचि नहीं विकसित हो पाएगी। तो सबसे पहले जरूरी होता है कि कोई चैप्टर पढ़ने से पहले उस चैप्टर को समझने के लिए पहले से कुछ ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसको कहा जाता है पूर्व ज्ञान या पूर्व जानकारी। ठीक है, जब पूर्व जानकारी होती है तो हमको विषय में रुचि बढ़ती है, और उस जो चीज़ जब हमारे समझ में आती है तो क्या होता है, फिर हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको चुटकुले सुनना बहुत अच्छा लगता है, कोई चुटकुला सुनाए तो सुन करके खूब लोटपोट आप होते हैं, लेकिन अगर उसी चुटकुले को आपको जापानी भाषा में सुनाया जाए तो क्या होगा, अगर जापानी आपको नहीं आती है, जापानी भाषा में या चाइनीज भाषा में या रशियन भाषा में या जर्मनी में, फ्रेंच में, यानी किसी ऐसी भाषा में जो आपके समझ में नहीं आती है, उसमें बड़े अच्छे अच्छे मज़ेदार मज़ेदार चुटकुले आपको सुनाए जाए तो क्या होगा, आप क्या हंस पाएंगे? नहीं हंस पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भाषा ही आपके समझ में नहीं आ रही है, भले से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बड़ा अच्छा चुटकुला आपको सुनाया जा रहा है, लेकिन वो भाषा जब आपके समझ में नहीं आ रही है तो इसके मतलब ये है कि आप उस चुटकुले में आनंद कतई नहीं ले पाएंगे। बच्चों, ठीक वही चीज़ यहाँ पर भी बैठता है कि जब किसी विषय को जानने के लिए, किसी चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको जिस पूर्व ज्ञान की आवश्यकता होती है, अगर वो पूर्व ज्ञान आपके पास नहीं है तो क्या करना है कि तब फिर आपके समझ में वो चीज़ नहीं आएगी। इसलिए आपको कोई चैप्टर पढ़ने से पहले जितने पूर्व ज्ञान की आवश्यकता होती है, पहले वो पूर्व ज्ञान आप समझ लें, तभी विषय आपके समझ में आएगा। तो अब देखें कि सबसे पहला क्या है कि आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, फिर जिस भाषा में आप पढ़ रहे हो उस भाषा पे अच्छी पकड़ आपकी होनी चाहिए। जैसे हिंदी भाषा में आप पढ़ रहे हो तो हिंदी की अच्छी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगर इंग्लिश में आप पढ़ रहे हो, जैसे कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो इंग्लिश पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो विषय आपके समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहली जरूरी क्या चीज़ है कि रुचि अगर नहीं है तो आपको नींद आएगी पढ़ने में। तो रुचि कैसे विकसित करें, सबसे पहले पूर्व ज्ञान लें। दूसरा है कि आप एक लक्ष्य निर्धारित करें। ठीक है, दूसरा चीज क्या है नींद ना आने के लिए, आप एक लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य का मतलब यह है कि आपने कोशिका, कोशिका चैप्टर है
तो कोशिका को आप एक दिन में पढ़ने का प्रयास ना करें, कोशिका को बांट लें पहले आप कई टुकड़े में, कि हम एक दिन कोशिका के बारे में सामान्य जो परिचय है वो पढ़ेंगे, कोशिका की खोज पढ़ेंगे, कोशिका का आकार और आकृति पढ़ेंगे। ये एक दिन में आप ये टॉपिक डिसाइड कर लें। दूसरे दिन आप देख लें कि हम कोशिका की अब संरचना पढ़ना शुरू करेंगे, तो पहले दिन कोशिका कला और कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे, यानी आप सेल वॉल यानी कोशिका कला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकांड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तीसरे चौथा दिन डिसाइड कर लें, पांचवा दिन डिसाइड कर लें। इस तरह से पूरे चैप्टर को 5-6 भागों में बांट लें और डेट एकदम फिक्स कर लें कि इस डेट को इतने बजे से इतने बजे हमको ये टॉपिक पढ़ना है। तो इस तरह क्या होगा, जब आप चैप्टर को मान लीजिए आपने 6 भागों में बांट लिया, तो आपको वो विषय बोझिल नहीं लगेगा। आपको ये लगेगा अरे यार क्या करना है, दो ही टॉपिक ना पढ़ना है, कोशिका भित्ति और कोशिका कला केवल आज हमको पढ़ना है, पढ़ ले रहे हैं। लेकिन जब आप डिसाइड नहीं करोगे, लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे कि हमको कितना पढ़ना है, तो आपको आलस आएगा। पूरा चैप्टर जब आप देखोगे अरे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, तुरंत आपको आलस आना शुरू होगा और बेमन का आप पढ़ेंगे, बेमन का पढ़ेंगे तो आपको नींद जरूर आएगी। ठीक। तीसरा है, ये तो हो गया कि आपको विषय की पूर्व जानकारी आपके पास होनी चाहिए, जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। दूसरा है, उस पूरे चैप्टर को कई टॉपिक में बांट लें, यानी आप क्या डिसाइड कर लें, लक्ष्य निर्धारित कर लें। लक्ष्य निर्धारण के बाद अगला टॉपिक आता है कि अब आपको क्या करना है, पूरी सचेतना के साथ आप बैठें। ठीक है, जब आप पढ़ने बैठें तो पूरी तैयारी करके बैठें, यानी आप जहां बैठें वो जगह शांति वाली होनी चाहिए, वहां ज़्यादा शोर शराबा ना हो, आपके बैठने की जो जगह है वो आरामदायक भी होनी चाहिए। ठीक है, यानी आप अनकंफर्ट टाइप का ना बैठें, कंफर्ट टाइप में बैठें। ठीक है, और पूरी चेतना के साथ। तो तीसरा चीज़ है कि आपको पूरी चेतना के साथ बैठना है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कि पूरी चेतना के साथ आप बैठें, एकदम तन्मयता लक्ष्य निर्धारित करके बैठ गए कि आज हमको इतना पढ़ के ही उठना है। ठीक है, फिर तीसरी बात आती है कि आप पुस्तक और कॉपी, यानी पुस्तक और साथ में पुस्तिका या कॉपी भी लेकर के बैठें, कॉपी पेन सब लेकर के बैठें, और पुस्तक में जो भी आप पढ़ें, जो टॉपिक पढ़ें, जैसे मान लीजिए आपने कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं और आपने उसमें पढ़ा कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 में किया था, तो तुरंत उसको कॉपी पे आप लिखें। और एक बार नहीं, रॉबर्ट हुक, चूंकि अब आपको नाम याद करना है, ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका की खोज किया था, तो आप रॉबर्ट हुक का नाम कम से कम 5 बार लिखें। आपने इधर पढ़ा कि कोशिका, सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था, अब कॉपी में आप 5 बार रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक लिखें, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। ठीक है, क्योंकि वैज्ञानिक है तो इनका इंग्लिश में भी स्पेलिंग जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 5 बार आपको रॉबर्ट हुक का नाम लिखना है। फिर आगे आपने देखा कि इन्होंने 1665 में किया था, सामने 1665 लिखें। फिर आप देखें कि सबसे पहले इन्होंने कार्क लिया और उसके पतले पतले स्लाइस काटे, तो कार्क चूंकि एक लकड़ी होती है उसको भी याद रखना है, तो ये तुरंत इसको चेतना में डालें कि कार्क का टुकड़ा इन्होंने लिया था। फिर पतली पतली आप स्लाइस उसके, ये मतलब ध्यान में रखेंगे, पतली पतली स्लाइस काटा और अपनी द्वारा बनाई गई माइक्रोस्कोप में लगा करके इन्होंने देखा उसको। जब देखा तो इनको क्या दिखा, मधुमक्खी के छत्ते के आकार की संरचना। फिर आप कॉपी में लिखें, कार्क लिखें, कार्क के आगे मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना, जिसको उन्होंने सेल कहा। तो जब इस तरह से आप पढ़ते पढ़ते लिखेंगे भी, तो आपको इससे दो फायदा होगा, एक तो आपको नींद नहीं आएगी
और दूसरी चीज ये होगी कि आपके पास एक नोट्स तैयार होता जा रहा है जिसको आप बाद में कहीं भी, जैसे आपने आधा घंटा या एक घंटा बैठ के पढ़ा कोशिका के बारे में, कोशिका का जो आपने टर्म निर्धारित कर लिया था कि हम इतना पढ़ेंगे आज, पढ़ लिए, वो दो पेज पे उतर आया, अब उस दो पन्ने को आप चाहें तो जेब में डाल सकते हैं, ठीक है, जेब में डाल लिए उसको, किस लिए? अब मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हैं और जाते जाते आप सोचते हुए जा रहे हैं कि रॉबर्ट हुक, पहली कोशिका का खोज जो है किसने किया था, अब रॉबर्ट हुक मान लीजिए आप भूल गए, तुरंत जेब से कागज निकालें और रॉबर्ट हुक का नाम वहां पर देख लें। इस तरह से अगर आपने दिन भर मनन कर लिया तो पूरे जीवन कभी भी आप रॉबर्ट हुक के कामों को नहीं भूल पाएंगे, कभी भी नहीं भुलाएगा, फिर दोबारा आपको एग्जाम टाइम में या एग्जाम के बाद या अगली कक्षा में कभी भी आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा, ठीक है, और बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप कोई हायर किताब जब पढ़ेंगे तो ये चीजें भी आपको वहां याद रहेगी और एक्स्ट्रा वर्क जो है वो आप याद कर ले वहां। तो ये हो गया, अब आता है कि और क्या करें। तो ये चार चीजें हैं आपके पास जो आपको नींद नहीं आने देंगी। इसके अलावा आप देखें, ये तो रहा आपका आदत की बात कि इतना कर लें, फिर आप देखें नींद आने का एक और कारण है, वो है आपका खान पान और दिनचर्या, ठीक है। खान पान दिनचर्या में क्या है कि पहली चीज तो विद्यार्थी को वसीय भोजन यानी जो फैटी फूड है, ऑयली फूड है, फैटी एंड ऑयली फूड को अवॉइड करना है, यानी आप ज़्यादा तेल और घी वाले चीज़ों को नहीं खाना है, क्योंकि ज़्यादा पूड़ी सब्जी हलवा खा के अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो निश्चित है कि आपको निद्रा महारानी से कोई बचा नहीं पाएगा, ठीक है, तुरंत निद्रा आपको घेरेगी। तो आपको क्या करना है कि विद्यार्थियों को अपना जो भोजन है वो वसीय नहीं होने देना चाहिए, ज़्यादा उसमें घी तेल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वाला भोजन होना चाहिए, इसके साथ साथ इसमें विटामिन और मिनरल की मात्रा भी कम नहीं होनी चाहिए, विटामिन और खनिज लवण। तो ऊपर लिख दे रहे हैं, हाँ। तो अब आप देखें कि आपके भोजन में क्या होना चाहिए। पहला है आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट की भरपूर मात्रा होनी चाहिए और प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वाला आपका भोजन होना चाहिए, लेकिन विटामिन और खनिज लवणों की मात्रा को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हरी सब्जियां, ठीक है, अंकुरित अनाज, दूध और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वाले चीज़ें आपके भोजन में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, लेकिन ऑयल फैट को आप अवॉइड करेंगे, ज़्यादा फैटी फूड आप नहीं खाएंगे। तो इसके अलावा आप अपनी भूख से थोड़ा कम ही खाना खाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, यानी अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको निश्चित है कि नींद नहीं आएगी। अब इसके बाद एक चीज़ और बचता है कि आप क्या करें कि नींद ना आए, वो है नियमित दिनचर्या। नियमित दिनचर्या में आता है कि आपको उठने का समय और सोने का समय आपका निर्धारित होना चाहिए, ठीक है। उठने का समय यानी सो करके उठने का समय आपका, आप कितना भी लेट में सोएं लेकिन 6 बजे से पहले आपको बिस्तर छोड़ देना है। 6 बजे के बाद अगर आप उठेंगे तो नींद पक्का है कि आपको नींद नहीं छोड़ेगी। और सोने के लिए भी है कि 10 से 11 बजे के बीच में आप सो जाइए और 4:30 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे आप उठ जाइए, ठीक है।
और उठ करके आपको ये भी करना है कि दिन भर में एक बार कम से कम आपको व्यायाम भी करना है, सुबह या शाम कोई कभी भी आपको व्यायाम भी करना है। व्यायाम मतलब है एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज बहुत लंबा नहीं, 10-15 मिनट का, जिसमें लंबी तेजी तेजी से सांस आपकी चलने लगे। जैसे आप दौड़ लिए या कोई और एक्सरसाइज कर लिए, जैसे आपकी सांसें तेज चलने लगी, 8-10 मिनट तक आप जल्दी जल्दी तेजी तेजी से सांस लेंगे, उससे पूरा शरीर का एरेशन हो जाता है, जितने टॉक्सिक गैसें हैं वो शरीर से बाहर निकल जाती हैं, और भी तरीके हैं जो टॉक्सिक मटेरियल शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर आपका हल्का महसूस होगा और आपको नींद नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। अगर जितना मैंने बताया है अगर आप इतना कर लेते हैं तो पढ़ाई के दौरान आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। अब देखें और बच्चे क्या क्या जानना चाह रहे हैं। अभी एक बच्चा कोशिका कंकाल क्या है, ठीक है, एक बच्ची पूछ रही है कोशिका कंकाल क्या होता है। देखो, कंकाल का मतलब है हड्डियां, और हड्डियां बनाती हैं ढांचा, शरीर को एक आकार प्रदान करती हैं। जैसे हम मनुष्य के शरीर या जो बड़े जीवधारी हैं उनके शरीर में जो कंकाल तंत्र होता है वो उनके शरीर का एक ढांचा बनाता है, उनके शरीर को सहारा देता है, चलने फिरने में मदद करता है, शरीर को फैलाए रखता है। इसी तरह कोशिकाओं में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कोशिका का कंकाल कहलाता है, क्योंकि वो कोशिका को उसके आकार में फैलाए रहता है, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद बच्चा और कौन सा है, गॉल्गी बॉडीज के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तनिष्क ने भी पूछा है गॉल्गी बॉडीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, तो बता दे रहे हैं। अब आप देखें, जैसा कि मैंने मेरे पिछले लाइव क्लास की जो वीडियो बन जाती हैं वो वीडियो भी मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप वहां देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, गॉल्गी बॉडीज के बारे में मैंने पूरा बताया है। लेकिन फिर भी आप जानने की कोशिश कर रहे हो बेटा, तो फिर मैं बता रहा हूँ। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि केंद्रक कला से लेकर कोशिका कला तक फैली हुई एक कोशिकांग है, ठीक है, यानी कोशिका के अंदर पाई जाने वाली एक ऐसी संरचना जो केंद्रक कला से लेकर के कोशिका कला तक फैली होती है, और ये तीन चीजों से बनी होती है। इसमें ट्यूब्यूल्स होते हैं यानी नलिकाएं होती हैं, सिस्टर्नी होती है और वेसिकल होते हैं, इनसे मिलकर ये संरचना बनी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक होता है रफ, जिसकी सतहों पर राइबोसोम लगे होते हैं जिससे ये खुरदरी दिखती हैं, और इनका काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करने में मदद करना। और जो दूसरा प्रकार है वो है चिकनी यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनकी सतहों पर राइबोसोम नहीं लगा होता है और वो चिकनी दिखती हैं। इनका प्रमुख काम है वसा का संश्लेषण, और अगर कोशिका के अंदर कोई हानिकारक पदार्थ यानी विषैला पदार्थ चला गया है तो उस विषैले को न्यूट्रलाइज करना यानी उदासीन करना, ठीक है, इसको कहा जाता है डिटॉक्सिफिकेशन। तो इस तरह से अगर सम्मिलित रूप से हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य देखें तो इसका कार्य हो गया प्रोटीन संश्लेषण, वसाओं का संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण और डिटॉक्सिफिकेशन। फिर गॉल्गी बॉडीज भी इसी प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप की ही होती हैं, लेकिन वो केंद्रक से लेकर के कोशिका कला तक नहीं फैली होती हैं, बल्कि वो एक ही जगह पर होती हैं। ये भी ट्यूब्यूल्स और वेसल्स से बना होता है, और इसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसाओं आदि की पैकिंग होती है, यानी जो बनाते हैं राइबोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो सारा मटेरियल आता है यहाँ पर, और ये क्या करते हैं उस मटेरियल को पैकेट्स में पैक कर देते हैं, ठीक है। इसमें अगर कोई प्रोटीन जैसे एंजाइम है तो उसको पैक करके उसी से लाइसोसोम बना दिया जाता है। लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं
यही कारण है कि अगर कभी लाइसोसोम गलती से कोशिका के अंदर फट जाता है तो पूरी कोशिका को वो नष्ट कर देता है। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला भी कहा गया है। तो ये काम है गॉल्गी बॉडीज का। फिर और भी पूछे बच्चों आप लोग, ऊतक से संबंधित या कोशिका से संबंधित और भी कोई चीज है तो पूछे। नहीं तो एक बार केंद्रक को भी हम दोहरा दे रहे हैं। देखो केंद्रक क्या है कि वो कोशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और सुव्यवस्थित केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सुव्यवस्थित केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के चार महत्वपूर्ण भाग होते हैं। पहला है केंद्रक कला, जो केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करता है। ये केंद्रक के चारों तरफ होता है और इसका प्रमुख कार्य होता है कि केंद्रक के अंदर बाहर से कौन कौन से पदार्थ अंदर आ सकते हैं और कौन कौन से पदार्थ अंदर से बाहर जा सकते हैं, इसका पूरा नियंत्रण करना केंद्रक कला का कार्य होता है। फिर दूसरा इसमें जो अंग है केंद्रक में, उसको कहा जाता है केंद्रिका, जो प्रोटीन और आरएनए से मिलकर के बना होता है। इसका कार्य अभी अननोन है, यानी इसके कार्य के बारे में अभी कोई खास खोज नहीं हो पाई है। ये क्या कार्य करता है ये भी नहीं मालूम है। तीसरा पार्ट होता है केंद्रक का, केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला अर्ध तरल पदार्थ जो केंद्रक में के अंदर भरा होता है उसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, केंद्रक द्रव्य का कार्य है कि केंद्रक के अंदर जो भी मटेरियल हैं उन सबको अपने आप में डिजॉल्व रखता है और उनको भोजन पदार्थ देता है, उनसे जो पदार्थ बनते हैं उनको बाहर भी निकालता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण भाग जो केंद्रक का होता है उसको कहा जाता है क्रोमैटिन नेटवर्क या क्रोमैटिन धागे। क्रोमैटिन धागे क्या होते हैं कि ये भी डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। और डीएनए तो आप जानते हैं कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का वाहन करता है। ठीक है, यानी माता पिता के लक्षणों को उनके संतानों में ले जाने का कार्य करता है और कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाओं का नियंत्रण भी यही करता है। तो इस प्रकार आप देखें कि केंद्रक का कार्य और संरचना। तो कोशिका कंकाल क्या है? कोशिका कंकाल का मतलब क्या है बेटा तुम्हारा? कोशिका कंकाल तो मैंने बताया, साइटो स्केलेटन जिसको कहते हैं। तो साइटो स्केलेटन जो होता है वो कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वही इस कोशिका को फैलाए रखता है, उसी को कोशिका कंकाल कहा जाता है। और जो ना समझ में आ रहा बताओ फिर क्या कंफ्यूजन इसमें है। कोशिका कंकाल ही ना कहना चाह रही हो? तो ये तो बेटा कोशिका कंकाल वही मतलब जो कंकाल का कार्य करे, जो कोशिका को फैलाए रखता है वही कोशिका कंकाल है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में साइटो स्केलेटन कहा गया है। तो साइटो स्केलेटन का मतलब कि कोशिका के अंदर ऐसे भाग जो उसके ढांचा को बनाए रखें, उसको एक आकार प्रदान करते हैं। तो आकार प्रदान करने में देखो कोशिका भित्ति का कोई खास रोल नहीं होता है, क्योंकि कोशिका भित्तिका जो है वो एक कड़ी संरचना है जो चारों तरफ कोशिका के चारों तरफ होती है। वो कोशिका का एक सुरक्षात्मक आवरण बनाती ही बनाती है, साथ में कोशिका को एक आकार तो प्रदान करती है। लेकिन ये सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में होता है, जंतु की कोशिका में नहीं होता है। तो जंतु की कोशिका जो कोशिका कंकाल है वो दोनों में कोशिका कंकाल का काम करेगा। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन यानी कोशिका कंकाल जिसको हम कहते हैं कोशिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, वही मेन कोशिका कंकाल का कार्य करता है। ठीक है बेटा, और कोई बच्चा कुछ जानना चाहता है तो बताए। आसिमा,
ये आंसर समझ में आया बेटा? अगर आया है तो एस लिखो, जाने हम भी कि तुम समझ गए। अगर नहीं समझ में आया तो बताओ। और भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, ठीक है बच्चों, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपना प्रश्न भेज करके उसका आंसर आप हमसे ले सकते हैं, ठीक है। इससे के अलावा भी अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप फोन करके व्हाट्सएप पे हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और आज मुझे बताना था आपको धातु और अधातु के बारे में, लेकिन मुझे कुछ ये सामान्य बातें आपसे करना ये मुझे ज़्यादा उचित लगा, इसलिए मैंने आज ये सामान्य आपसे बातें किया। आपको मैंने ये बताया कि पढ़ाई के दौरान आपको नींद क्यों आता है, और उसका जो उपाय मैंने आपको बताया है इसको अगर आप लागू करेंगे तो ये पूरी गारंटी है मेरी कि आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको आप जारी रखें बच्चों, समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे कि आप पढ़ाई कैसे करें, किस तरीके से करें, जिससे कम समय में आप ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं और उसको ज़्यादा समय तक याद रख सकते हैं, यानी बार बार आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगले संडे को बच्चों अपने लाइव क्लास में हम आपको पढ़ाई की कुछ और गूढ़ बातें बताएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगले संडे को ठीक 2 बजे आना मत भूलिएगा, क्योंकि अगले संडे को मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी पढ़ाई कैसे करें, ठीक है, इस बात पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसलिए अगले संडे को जरूर आना। तब तक के लिए बच्चों